चलो ठीक है भाई। तो अमीनो एसिड हमने कर लिया था, आज हम प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रोटीन के बारे में हमने काफ़ी कुछ एक दो चीज़ें तो आपको बता दी है ना। हमने क्लासिफिकेशन प्रोटीन का देखा था लास्ट क्लास के अंदर, कौन सा क्लासिफिकेशन देखा था? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पर। आप आज ही आए हो क्या? अच्छा ठीक है। प्रोटीन जो है वो कितने टाइप का बताया था भाई मैंने, बताओ जरा जल्दी से एक बार रिप्लाई करो आप लोग। पिछली क्लास में प्रोटीन के बारे में क्या पढ़ाया था मैंने? पेज पलटो देखो, याद करके आया कि नहीं आया? प्रिपरेशन तो करते नहीं है तुम लोग, पेज पलट के देखो जल्दी से प्रोटीन के बारे में क्या पढ़ाया था मैंने। प्रोटीन का जो क्लासिफिकेशन था, अरे एक तो मैंने बताया था ग्लोबुलर प्रोटीन और एक बताया था फाइबरस प्रोटीन, है ना, मतलब कि रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन। तो जो गोलाकार प्रोटीन होता है वो उसका जो शेप होता है वो ओवर, मतलब इस तरीके से उसके जो मॉलिक्यूल्स का शेप होता है वो कैसा होता है? वो 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक। और फाइबरस प्रोटीन फाइबर की तरह होता है, लंबा रेशे की तरह, मतलब ये इस तरीके से होता है, और ये किस तरीके से होता है? इस तरीके से होता है, ठीक है। ये हमने देख लिया था लास्ट क्लास के अंदर। आज हम देखेंगे जो प्रोटीन है उसका एक और क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। उसमें एक प्रोटीन आता है हमारा सिंपल प्रोटीन। ये किस बेसिस पर कर रहे हैं हम क्लासिफिकेशन? हम कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर, हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर, ठीक है, मतलब कि जल अपघटन। अगर प्रोटीन का जल अपघटन मैं करता हूँ, हाइड्रोलिसिस करता हूँ, तो उससे मुझे क्या क्या मिलेगा, उसके आधार पर, उसके बेसिस पर मैं यहाँ पर प्रोटीन को क्या कर रहा हूँ? डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि एक प्रोटीन मैंने लिया, उस प्रोटीन को, ठीक है, उस प्रोटीन को मैंने क्या किया? हाइड्रोलिसिस किया, मतलब कि जल से उसकी क्रिया करवाई, तो मुझे क्या मिलेगा? जल से जब मैं उसकी क्रिया करवाऊंगी तो मुझे अमीनो एसिड मिलेगा। भाई प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो एसिड से। तो प्रोटीन को अगर मैं तोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? अमीनो एसिड मिलेगा। तो देखो यहां पर हम दो प्रोटीन की बात करेंगे। पहला प्रोटीन है सिंपल प्रोटीन, है ना। तो सिंपल प्रोटीन को अगर मैं हाइड्रोलाइज करूंगा, उसको तोड़ूंगा, उसको जल अपघटित करूंगा, तो उसमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? अमीनो एसिड मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो अमीनो एसिड से मिलकर बना है, और अमीनो एसिड ही वो तोड़ने के बाद उसको हमें जो मिलेगा वो भी क्या होगा? अमीनो एसिड ही होगा, ठीक। तो इसको हम कहेंगे सिंपल प्रोटीन, ठीक। जैसे कि जो हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन अभी हमने पढ़ा था, वो एक सिंपल प्रोटीन्स होते हैं, उनको डिसोशिएट या उनको जल अपघटित करने पर हमको क्या मिलता है? केवल अमीनो एसिड्स मिलता है, ठीक। फिर इसी में दूसरा जो प्रोटीन आएगा वो होता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, ठीक है। इसको कहा जाता है, ये हो गया ऊपर वाला सरल, और ये हो गया कॉन्जुगेटेड का मतलब संयुग्मी प्रोटीन। हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? संयुग्मी प्रोटीन। संयुग्मी प्रोटीन क्या होता है? संयुग्मी प्रोटीन जैसे कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं हमारे, है ना, न्यूक्लिक एसिड जो होता है, या इसको हम बोलते हैं नाभिकीय अम्ल, नाभिकीय अम्ल। तो नाभिकीय अम्ल जो होते हैं इनको जब हम तोड़ेंगे, है ना, तो हमको क्या मिलेगा? अमीनो एसिड तो मिलेगा ही, है ना। पर इसके साथ में, अमीनो एसिड के साथ में एक और चीज इसमें मिलती है जिसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या कहा जाता है इसको? प्रोस्थेटिक ग्रुप, और हिंदी में भी इसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप ही कहते हैं, ठीक है, प्रोस्थेटिक समूह। प्रोस्थेटिक समूह का मतलब कि एक एक्स्ट्रा ग्रुप उसके साथ में हमको मिलता है। न्यूक्लिक एसिड को जब हम तोड़ेंगे तो अमीनो अम्ल तो मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा? प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो उस तरीके के प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन, ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड में, संयुग्मी प्रोटीन में जो आपको प्रोस्थेटिक ग्रुप मिलता है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर, ठीक है, ये क्या होता है? ये एक तरीके से कोएंजाइम का काम करता है ना। कोएंजाइम का मतलब कि अभी एंजाइम के बारे में आपको बताऊंगा, है ना। तो अमीनो एसिड प्लस एक कोई सा भी ग्रुप, तो कॉन्जुगेटेड होगा तो अमीनो एसिड और एक ग्रुप मिलेगा, और अगर सिंपल होगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? अमीनो एसिड, ठीक है। ये बेसिकली हमारे एक और तरीके का हमने क्लासिफिकेशन यहां पर देख लिया, ठीक है भाई। तो प्रोटीन जो है वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पर दो प्रकार का, फाइबरस और ग्लोबुलर, है ना। आपका जो हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर भी दो प्रकार का है, सिंपल और कॉन्जुगेटेड, मतलब सरल और संयुग्मी, ठीक। अब इसके बाद जो क्लासिफिकेशन है वो कौन सा है हमारा? वो है उसकी स्ट्रक्चर, मतलब कि उसका जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर है ना। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, कौन सा स्ट्रक्चर? जब प्रोटीन बन चुका है उसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका
हो गया ना, है ना, तो इसको मिटा दूं मैं। चलो अगला जो है, इसमें हम चार तरीके से हम प्रोटीन को डिवाइड करते हैं, ठीक है, किसके बेसिस पर, स्ट्रक्चर के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पर चार प्रकार का। पहला कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। दूसरा हो जाएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब तृतीयक, तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और लास्ट में, लास्ट में कौन सा है, एक और होता है क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, है ना, मतलब कि ये हो जाएगा चतुर्थक। अब देखो इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात है, इसमें हमको क्या करना है भाई, ऑनलाइन वाले अभी आपको एक बार कोई रिप्लाई करो तो आवाज़ आना शुरू हुई क्या? हाँ ठीक है, आ रही है मुझे आवाज़, है ना, अब मुझे भी आ रही है, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है बोर्ड पर। अब हमने किसके बेसिस पर डिफाइन किया है, इसको क्लासिफाई किया है, इसको हमने किया है स्ट्रक्चर के बेसिस पर, प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शरी प्रोटीन और क्वार्टरनरी प्रोटीन, ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। कैसे होता है ये, तो प्राइमरी प्रोटीन जो है उसमें अमीनो एसिड की सिंपल और सीधी श्रृंखला बनती इस तरीके से, ठीक है, इसको मैं ऐसे सीधा भी बना सकता हूं, सिंपल और सीधी श्रृंखला बनती, मतलब कि एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है। कैसी संरचना होती है, रेखीय संरचना, ठीक है, ये रेखीय संरचना है, लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरीके का ये स्ट्रक्चर सीधा सीधा बनेगा, इसको हम क्या कहेंगे कि ये प्राइमरी प्रोटीन है, जिसमें कि कोई भी एक्स्ट्रा या कोई भी ऐसा मॉडिफिकेशन अभी नहीं हुआ है जिसको कि हम सेकेंडरी बोल सकें, केवल और केवल क्या है, सीधा सा प्रोटीन बना है अमीनो एसिड से जुड़कर, ठीक। अब द्वितीयक जो प्रोटीन होता है उसमें क्या होता है, ये जो चेन बनी है ये चेन में क्वाइलिंग होने लगती है, इस तरीके से ये घूमने लगती है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, है ना, ये इस तरीके से घूमने लगती है। भाई देखो छोटी सी जगह में अगर हमको कोई बड़ी चीज़ रखना है तो उसको हम इसी तरीके से फोल्ड करके रखते हैं, है ना, तो अब सेल के अंदर प्रोटीन बनता जा रहा है तो उसको रखने के लिए जो स्टोरेज है उस वजह से उसको क्या होने लगती है, उसके अंदर क्वाइलिंग होने लगती है, ना, जैसे लंबे वायर को हम इस तरीके से क्वाइल करके घड़ी करके रख देते हैं ना, वैसे ही अब प्रोटीन के अंदर भी क्या होने लगी है, क्वाइलिंग होने लगी है, इस तरीके से वो फोल्ड होने लगा है, मुड़ने लगा है, ठीक। तो ये इस तरीके की जो क्वाइलिंग हो रही है इसको हम कौन सा स्ट्रक्चर कहेंगे, उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर, है ना, इसमें अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसमें केमिकल कंपोजिशन या उनकी जो बॉन्ड्स वगैरह उनमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, केवल सिर्फ वो क्या कर रहा है, पहले सीधा था अब क्या होने लगा है, मुड़ने लगा है, ठीक है। अब तृतीयक जो स्ट्रक्चर होगा, तृतीयक संरचना, उसमें क्या होगा, उसमें इसमें डबल क्वाइलिंग होगी, एक तो इस तरफ से और एक क्या हो जाएगी, इस तरीके से, मतलब कि कुल मिलाकर के उसकी जो क्वाइलिंग है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है, पहले स्ट्रेट था, फिर थोड़ा सा क्वाइल हुआ, फिर और ज़्यादा क्वाइल हुआ, और जो लास्ट स्टेज आएगी, है ना, उसमें क्या हो जाएगा, वो पूरी तरीके से आपको दिखाई नहीं देगा कि ये एक तरीके का लंबा एक फाइबर है ना, वो बहुत ज़्यादा क्वाइल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्वाइल का मतलब इस तरीके से उसका जो स्ट्रक्चर है ये इस तरीके से उसकी मैक्सिमम उसके अंदर क्वाइलिंग हो चुकी है, ठीक है, ये इस तरीके से। तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में जो है मैक्सिमम क्वाइलिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, टर्शरी स्ट्रक्चर में डबल क्वाइलिंग है, यहाँ पर सिंगल है और यहाँ पर कैसा है, स्ट्रेट है, ठीक है। तो ये जो चार हमने स्ट्रक्चर देखे हैं ये किसके आधार पर है, उसकी संरचना के आधार पर, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। अब देखो इसमें होगा क्या कि जैसे अगर कोई कंपाउंड है उसमें सिंपल प्रोटीन है, सिंपल प्रोटीन है तो सिंपल प्रोटीन को डाइजेस्ट करना क्या होगा, आसान होगा, ठीक। अब अगर जैसे जैसे आप प्रोटीन ज़्यादा, क्योंकि ये जो जगह है ये जगह तो कम है पर इसमें प्रोटीन तो ज़्यादा है, है ना, और इसमें जो कॉइलिंग हो चुकी है तो वो कॉइलिंग क्या करती है, आपस में भी जुड़ने लगती है। जैसे कि मान लो कि ये कॉइलिंग इस तरीके से हो रही है, अब ये एक प्रोटीन यहाँ से गया, ये जो उसका फाइबर है, और यहाँ से ये दूसरा इस तरीके से, तो ये यहाँ पर जो इसको क्रॉस कर रहा है ये यहाँ पर एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो कॉइलिंग है जहाँ जहाँ पर भी एक दूसरे को ओवरलैप करती है वहाँ पर भी क्या होने लगती है, वो अटैच होने लगती है। तो इस तरीके के प्रोटीन को डाइजेस्ट करना बॉडी के लिए क्या होता है, मुश्किल होता है, और अगर ये या इस तरीके का सिंपल प्रोटीन है तो उसको डाइजेस्ट करना क्या होता है, आसान होता है। बात समझ में आ गई, तो इसको भी जल्दी से लिख लो, स्ट्रक्चर के बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन हो गया।
अच्छा प्रोटीन का कंपोजिशन बताया कि नहीं मैंने आपको? कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन नहीं बताया अभी, तो वो भी लिख लेना इसके बाद, ठीक है? तो जल्दी जल्दी बना लो इसको। बन गया भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाँ, तो इसको साफ कर दूँ? चलो ठीक है। अब देखो अगला जो है हमारा कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन, कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का संगठन, प्रोटीन किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है? हमने कह दिया अमीनो एसिड से तो बना ही है ना, पर उसमें एलिमेंट वाइज क्या क्या चीजें होती है। तो प्रोटीन के अंदर होता है कार्बन, है ना, प्रोटीन के अंदर होता है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसके अलावा सल्फर भी होता है, फास्फोरस भी होता है, ठीक है? बेसिक जो उसके मेजर एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं, चार हैं। तो प्रोटीन के अंदर कार्बन जो है वो 47 से लेकर 50% तक होता है। कितने परसेंट होता है? 47 से लेकर 50% कार्बन का जो है उसमें समावेश होता है, ठीक। हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन ये जो है इसमें 6 से लेकर 8% तक होता है, नाइट्रोजन जो है 12 से लेकर 14% होता है, और ऑक्सीजन जो है 20 से लेकर 24% होता है, ठीक। इसके बाद ये जो दोनों चीज़ें हैं ये तो आप मान के चलो कि जो थोड़ा बहुत अमाउंट है 0.3 या 0.6 के आसपास जो है इनका अमाउंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है? तो मेजर जो अमाउंट है वो किसका है, कार्बन का और ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है? इस तरीके से ये एक प्रोटीन का कंपोजिशन होता है, ठीक। पर अब देखो यहाँ पर एक चीज़ हमको क्या ध्यान रखना है कि प्रोटीन जो है उसका कंपोजिशन सोर्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। जैसे मान लो अगर मैंने मीट की बात करूं तो मीट जो है उससे भी प्रोटीन मिलता है, और अगर मान लो कोई वेजिटेबल है, कोई फूड है जो वेजिटेरियन है उससे भी फूड मिलेगा, मान लो दूध है ना, तो दूध से भी प्रोटीन है और मीट से भी क्या है, प्रोटीन है। तो दोनों तरीके के प्रोटीन के कंपोजिशन में क्या हो जाएगा, अंतर आ जाएगा, मतलब कि ये जो एलिमेंट्स हमने यहाँ लिखे हैं इनकी मात्रा में थोड़ा बहुत क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, पर एवरेज जो चीज़ें हैं वो यही रहने वाली हैं। जैसे कि कार्बन सबसे ज़्यादा रहेगा, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है किसके अकॉर्डिंग, वो सोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है? बात समझ में आ गई। चलो अब प्रोटीन बनता कैसे है ना, प्रोटीन सिंथेसिस, उसको भी मैं बिल्कुल थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं, है ना, ज्यादा उसमें डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं है, जितना हमारे सिलेबस में है उतना मैं आपको बता देता हूं। ये हो गया भाई, अच्छा चलो ठीक है, तो ये हो गया यहां पर बोर्ड का। चलो देखो अब हम देखेंगे प्रोटीन कैसे बनता है, तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, कैसे बनता है, कहां पर बनता है पहले प्रोटीन ये बताओ जरा, प्रोटीन सिंथेसिस, है ना, प्रोटीन संश्लेषण। अरे प्रोटीन जो है वो हमारी हर सेल में बनता है पहली चीज, और सेल के अंदर कहाँ बनता है, वो राइबोसोम बनाता है, कौन बनाता है, राइबोसोम, सेल ऑर्गन होता है एक राइबोसोम, है ना, वो प्रोटीन बनाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री है, कौन सी फैक्ट्री है, प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है। तो उसको आप एक लाइन में लिख लो कि प्रोटीन सिंथेसिस कहां पर होता है, प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो राइबोसोम में होता है, पर इसका जो काम शुरू होता है वो न्यूक्लियस से होता है ना। फाइनली प्रोटीन बनता कहां है, राइबोसोम में। जैसे कि देखो ये मैंने सेल बनाई, तो इस सेल के अंदर जो है यहां पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है, डीएनए है ना, और राइबोसोम कहां होता है, यहां बाहर होता है। तो प्रोटीन बनाने का जो आदेश होता है, जो ऑर्डर होता है, वो कहाँ से आता है, न्यूक्लियस से, है ना, और उसको बनाता कौन है, राइबोसोम बनाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है? चलो तो ये कैसे बनता है, ये दो प्रोसेस के थ्रू बनता है, एक को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन और एक होती है ट्रांसलेशन, है ना, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, बोलो तो जरा, हिंदी वाले में सब किसी को पता है क्या, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन मतलब अनुलेखन और अनुमापन, अनुलेखन और अनुमापन, ये दो प्रोसेस क्या होती है, इसको आप थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लो, ठीक है? एक प्रोसेस जो होती है इसके अंतर्गत डीएनए जो होता है वो क्या करता है, वो क्षारों के कोड बनाता है, किसके कोड बनाता है, क्षारों के। भाई देखो हमारी जो सेल होती है उस सेल के अंदर जो डीएनए है वो डीएनए क्या करता है, सबसे पहले जैसे डीएनए में चार बेस होती है, डीएनए के अंदर कौन कौन सी बेस होती है, चार, डीएनए के अंदर फोर बेस होती है, वो होती है एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये चार प्रकार की क्षारें होती है किसके अंदर, डीएनए के अंदर। अब इन्हीं क्षारों से डीएनए क्या करता है,
तीन तीन छारों के, है ना, तीन बेस को लेकर के वो क्या बनाता है, कोड बनाता है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया ए जी टी, तो ये तीन बेस हो गई, एडिनिन, ग्वानिन और थायमिन, तो ये एक कोड बन गया, है ना। इस कोड को हम क्या कहते हैं, कोडॉन। क्या कहा जाता है इसको, कोडॉन, है ना, हिंदी में भी इसको कोडॉन ही कहते हैं। अब ये कोडॉन जो है ना, ये आरएनए बनाता, डीएनए बनाता है, डीएनए ने ये बना दिया। अब बनाने के बाद इस कोड को बाहर राइबोसोम तक कौन लेकर जाता है, जैसे ये डीएनए है, ये आपकी सेल है, ये डीएनए है, डीएनए ने बनाया कोड, कोड बनाया तीन बेस का, इस कोड को राइबोसोम तक ले जाने का काम कौन करता है, वो करता है आरएनए। कौन करता है, आरएनए। आरएनए में भी कौन सा आरएनए, एमआरएनए, ठीक है भाई, मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए ने डीएनए के बनाए कोड को किसको ले जा करके दिया, राइबोसोम को। अब राइबोसोम क्या करेगा, ये जो कोड बनाने का प्रोसेस है, ये कौन सी इसमें हो गया, ट्रांसक्रिप्शन में, ठीक है। इसको हमने क्या कह दिया, अनुलेखन, मतलब कि इस प्रक्रिया के अंदर डीएनए ने क्या बना दिया, कोड फॉर्मेशन कर दिया। अब उस कोड को लेकर राइबोसोम के पास आरएनए जाएगा। अब राइबोसोम उस कोड को डीकोड करके क्या करेगा, उसको डीकोड करेगा और क्या बनाएगा, अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, प्रोटीन, ठीक है। इस तरीके से प्रोटीन का सिंथेसिस यहां पर होगा। तो दूसरी प्रोसेस में मैं क्या लिख सकता हूं, दूसरी प्रोसेस में क्या बनेगा, अमीनो एसिड बनेगा, अमीनो एसिड आपका फॉर्मेशन हो जाएगा और वो आपस में मिलकर के क्या बना लेंगे, आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, वो प्रोटीन बना लेंगे, ठीक। और पहली स्टेप में क्या बन रहा था, कोड बन रहे थे, है ना, जिसको हमने क्या कहा, कोडॉन कह दिया। पहली स्टेप में कोडॉन बने, कोडॉन बाहर आए, राइबोसोम ने उनको लिया, राइबोसोम से लेने के बाद और उन्होंने क्या कर दिया, फिर उसको अमीनो एसिड बना दिए, ठीक। और जैसे ये एक कोड है, इसके लिए अलग अमीनो एसिड बनेगा, ठीक है। इस तरीके से 20 से लेकर 22 तक अमीनो एसिड हमारी सेल बनाती है और फिर वो अमीनो एसिड आपस में जुड़ जुड़ के क्या बना लेते हैं, प्रोटीन बना लेते हैं, ठीक। इसमें एक एंजाइम का भी यूज होता है जिसको कहा जाता है आरएनए पॉलीमरेज। क्या कहा जाता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। इसका नाम आप ध्यान रख लेना, ऐसे तो उसमें बहुत सारे एंजाइम है पर अभी हमें सिर्फ एक नाम ध्यान रख लेना कि जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हेल्प करता है, ठीक है। अब बहुत लंबी प्रक्रिया है कि कोड कैसे बनते हैं, है ना, कौन सी छार किसके साथ जुड़ेगी, कोड बनाने के लिए कौन सा एंजाइम डीएनए को जो है आरएनए में बदलेगा, बहुत सारी चीज़ें होती है उसके अंदर, ठीक है। पर हमने एक आपको मोटा मोटा सब बता दिया कि ये प्रक्रिया ये होती है जितना हमारे लिए जानना आवश्यक है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, इन दोनों के द्वारा फाइनली क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा, क्लियर है इतनी बात, ठीक है, चलें आगे, ठीक। तो भाई देखो, अब प्रोटीन के कार्य क्या क्या बताए थे मैंने, बताओ जरा एक बार। कोई किसी भी प्रकार का कोई भी जो है बिल्डिंग का काम करेगा, नई नई सेल्स बनाएगा, हमारी ग्रोथ करेगा, है ना, ऑर्गन कोई डैमेज हुआ है उसको सही करेगा और एनर्जी देगा, दो काम हो गए, है ना। एनर्जी तो 5% मिलती है बस इसके अंदर से। देखो इसके अलावा प्रोटीन जो होता है वो एंजाइम की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, एंजाइम। एंजाइम का नाम सुना कि नहीं सुना, एंजाइम क्या होते हैं, देखो एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन ही होते हैं, ठीक है। पहली चीज, सारे एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, पर सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, है ना। ये लाइन हमको याद रखना है कि सारे एंजाइम क्या है, प्रोटीन है, पर हर कोई प्रोटीन एंजाइम है क्या, नहीं है। अब एंजाइम होता क्या है पहले वो समझो, एंजाइम एक प्रोटीन है, ठीक। ये क्या करता है, एंजाइम जो है वो बायो कैटलिस्ट है। क्या है, बायो कैटलिस्ट, मतलब जैव उत्प्रेरक, मतलब कि प्रोटीन जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा, बायो कैटलिस्ट की तरह कार्य करेगा। जैसे मैंने बताया था ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में कई सारे एंजाइम हैं, जैसे मान लो पेप्सिन है, तो पेप्सिन भी क्या है, पेप्सिन एक एंजाइम है और एंजाइम क्या काम करेगा, एंजाइम प्रोटीन होता ही है ना, वो क्या काम करेगा पेप्सिन, वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा, ठीक है, या हमारे अंदर की जो बायोकेमिकल रिएक्शन है उनको रेगुलेट करने का काम करेगा। तो एंजाइम क्या है, बायो कैटलिस्ट, है ना बच्चों। तो बायो कैटलिस्ट में इस कैटलिस्ट वर्ड का मतलब क्या है, बायो का मतलब तो हम समझ गए कि जैव, जैव मतलब जीवित चीजें, है ना, जो भी जीवित जीव जंतु हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, बायो या जैव कहते हैं। तो अब कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, कैटलिस्ट मतलब क्या होता है, ये तो हमने 9th-10th में पढ़ा हुआ है ना, कैटलिस्ट मतलब क्या होता है, हाँ बोलो बोलो, हाँ वो तो हिंदी होता है पर मतलब उसका काम क्या होता है कैटलिस्ट का,
हाँ ठीक है, चलो वेरी गुड। ये क्या करता है कैटलिस्ट, जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखी है ना, मान लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा H2+Cl2, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, ये है हाइड्रोजन, ये है क्लोरीन, इससे मिलकर क्या बनेगा, HCl बनेगा कि नहीं बनेगा, HCl मतलब एक एसिड बनेगा, ठीक। अब ये रिएक्शन अगर मैं कमरे के अंदर करता हूँ जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं है ना, तो उसको हम कहते हैं कि इन डार्क, ये अंधेरे में क्रिया हो रही है, तो इस अभिक्रिया की जो दर है, इसका जो रेट है, वो कैसा होगा, बहुत कम होगा, मतलब कि ये रिएक्शन बहुत देर में कंप्लीट होगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, H2 और HCl दोनों के मिलने से जो HCl बनता है वो बहुत देर में बनेगा, आराम से, ठीक। पर अगर यही रिएक्शन मैं कहाँ करूँ, सनलाइट में बाहर करूँ, तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या हो जाएगी, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, बिल्कुल कुछ सेकेंड्स में क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो सनलाइट, सूर्य प्रकाश ने यहाँ पर क्या किया, उत्प्रेरक की तरह कार्य किया, कैटलिस्ट की तरह कार्य किया, मतलब कैटलिस्ट ऐसा सब्सटेंस है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, ठीक है, या कम भी कर सकता है, वो दोनों तरीके के कैटलिस्ट होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, फिर कैटलिस्ट प्रमोटर होता है, कैटलिस्ट पॉइजन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर अभी हम उसका मतलब सिर्फ क्या समझेंगे कि कैटलिस्ट ऐसा सब्सटेंस है जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, ठीक है। यहां पर इसने बढ़ा दिया, और खुद उस कैटलिस्ट के ऊपर कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा भाई, सनलाइट जो आ रही उसके ऊपर कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा, मतलब खुद तो कैसा रहता है, अनचेंज, अपरिवर्तित रहता है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया की दर को, केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। बात समझ में आ गई, तो ये तो हो गई कैटलिस्ट की डेफिनेशन। अब एंजाइम क्या है, बायो कैटलिस्ट, मतलब हमारे शरीर के अंदर भी वो यही काम कर रहे हैं, है ना, चूंकि वो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म से सिक्रेट हो रहे हैं, इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे, बायो कैटलिस्ट, है ना। तो एंजाइम ऐसे सब्सटेंस है जो बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। बात समझ में आ गई, जैसे मैंने खाना खाया और मेरा खाना जो है 4-5 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगा, अगर एंजाइम नहीं होंगे तो वही खाना को डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लग जाएगा, जिसकी वजह से जो पूरा हमारा सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो एंजाइम जो है वो क्या है, एक बायोकेटलिस्ट है, ठीक है भाई। अब देखो, हर एंजाइम मतलब प्रोटीन हर रिएक्शन को कैटालिसिस नहीं कर सकता है, मतलब कि हर रिएक्शन को वो उत्प्रेरित नहीं कर सकता है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर लिखा ना कि सनलाइट की प्रेजेंस में वो रिएक्शन फास्ट हो गई, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में फास्ट हो जाएगी, ऐसा है क्या, नहीं है, ये तो स्पेसिफिक होता है भाई, एक रिएक्शन के लिए एक ही कैटलिस्ट काम करेगा, वो दूसरी रिएक्शन के लिए काम नहीं करेगा, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कि वो स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक इन नेचर, मतलब एंजाइम जो होते हैं वो स्वभाव से कैसे होते हैं, स्वभाव से विशिष्ट होते हैं, क्लियर इतनी बात, विशिष्ट स्वभाव के, वो हर अभिक्रिया के लिए क्या करेंगे, हर अभिक्रिया के लिए अलग अलग एंजाइम होगा। बात समझ में आ रही भाई ऑनलाइन वाले सभी को, है ना। दूसरी बात कि यहां पर एंजाइम को काम करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो भी कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है, स्पेसिफिक ताप या स्पेसिफिक टेम्परेचर होना चाहिए। अगर टेम्परेचर उतना उसको नहीं मिले, मान लो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 के आसपास होता है ना, 37+-, तो 37 अगर टेम्परेचर मेरी बॉडी का नहीं रहेगा तो क्या अंदर के एंजाइम काम करेंगे क्या, नहीं करेंगे, है ना, उनको तो वही टेम्परेचर चाहिए। तो मतलब कि ताप जो है वो भी कैसा होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए, ठीक। तीसरी बात, वहां का जो पीएच है, पीएच भी कैसा होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए, उसका जो पीएच, पीएच का मतलब समझते हो ना, अम्लीय या क्षारीय माध्यम। तो एंजाइम के काम करने के लिए स्पेसिफिक उसका नेचर होता है, मतलब एक एंजाइम एक ही रिएक्शन के लिए करेगा, दूसरा ताप भी कैसा होना चाहिए, विशिष्ट स्पेसिफिक, और उसके लिए पीएच भी कैसा होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए, तभी जाकर के कोई एंजाइम काम करेगा, ठीक। अब एंजाइम के काम करने की जो मेथड होती है या जो मैकेनिज्म होता है उसको बोला जाता है की लॉक मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म, की लॉक मैकेनिज्म, हिंदी में इसको कहते हैं ताला और कुंजी, है ना, कुंजी मतलब चाबी,
ताला चाबी उसकी प्रक्रिया होती। कैसे? जैसे हर ताले की चाबी एक ही होती है, वो ताला उसी चाबी से खुलेगा, वैसे ही हर एंजाइम केवल एक ही रिएक्शन के लिए काम आएगा, दूसरी के लिए काम नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? जैसे ताला और चाबी एक दूसरे के लिए स्पेसिफिक है, वैसे ही एंजाइम भी रिएक्शन के लिए क्या है? स्पेसिफिक है ना। उसका मैं फटाफट आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लो ये मेरा रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है ना। किसका मॉलिक्यूल है? रिएक्टेंट का। ये लिख दिया मैंने, अभिकारक का अणु है। अब ये मेरे पास है एंजाइम का मॉलिक्यूल। तो एंजाइम का मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल, दोनों में आप अंतर देख पा रहे हो कि इसमें एक सॉकेट है और इसमें कैसा है? एक उभरा हुआ एक हिस्सा है। तो ये दोनों एक दूसरे में क्या हो जाते हैं? फिक्स हो जाते हैं। ठीक। अब अगर मैंने एंजाइम बदल दिया, तो मान लो दूसरा एंजाइम मैंने लिया, तो वो उसका जो शेप है वो इस तरीके से हो गया, ये देखो ऐसा हो गया, तो वो क्या इसमें फिट होगा? क्या नहीं होगा। मतलब कि एक एंजाइम एक ही रिएक्शन के लिए काम करेगा, दूसरे के लिए काम नहीं करेगा। ठीक। अब ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? आपस में मिलकर ये बनाते हैं इस तरीके से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसको क्या कहा जाता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। मतलब कि एंजाइम और अभिकारक का एक माध्यमिक उत्पाद है ना। हिंदी में भी इसको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हम कह सकते हैं। ठीक है। एंजाइम का मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट का मतलब अभिकारक और कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल यौगिक। तो ये एक यौगिक बनता है और उसके बाद फिर जब ये टूटता है तो सबस्ट्रेट किस में चेंज हो जाता है? सबस्ट्रेट चेंज हो जाता है प्रोडक्ट में और एंजाइम वैसा का वैसा ही बच जाता है। ठीक। और ये एंजाइम आके अगला मॉलिक्यूल को पकड़ लेता है और इस तरीके से ये रिएक्शन चलती रहती है। बात समझ में आ गई? तो की लॉक मैकेनिज्म के थ्रू कोई भी एंजाइम काम करता है। हर रिएक्टेंट की सतह पर, सरफेस पर कुछ इस तरीके के सॉकेट होते हैं, उन सॉकेट्स में एंजाइम जाकर फिट हो जाता है, या एंजाइम की सरफेस पर मॉलिक्यूल आके फिट हो जाता है ना। और इस तरीके से वो क्या बनाते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और वो कॉम्प्लेक्स टूट कर क्या बनाता है? प्रोडक्ट, और वापस एंजाइम को रिलीज कर देता है। तो एंजाइम यहां से यहां तक फिर वापस आएगा और यह प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक। पहली चीज हो गई, यह हो गया स्वभाव से कैसा है, स्पेसिफिक। फिर ताप मैंने बता दिया, पीएच भी इसका बता दिया। फिर एंजाइम की बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी की हमको जरूरत होती है ना। स्मॉल क्वांटिटी मतलब बहुत ही सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है। जैसे कि अब हमको खाना पचाना है तो पेप्सिन चाहिए या रेनिन चाहिए, तो कोई ऐसा तो है नहीं कि 1-2 लीटर पेप्सिन आपको लगेगा। ऐसा होता है क्या भाई? बहुत ही मिली लीटर में उसकी आपको रिक्वायरमेंट होगी, थोड़ी सी मात्रा की आवश्यकता होगी। ठीक है। तो सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता वो पूरी कर देगा, साथ में क्या करेगा? स्पेसिफिक पीएच पर काम करेगा, स्पेसिफिक टेम्परेचर पर काम करेगा, और उसका जो नेचर है वो भी कैसा होगा? स्पेसिफिक होगा। बात समझ में आ गई? इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फिनोमिना आता है जिसको कहा जाता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। वो हमारे सिलेबस में नहीं है। देखो, एंटीबायोटिक का निर्माण कैसे होता है? एंटीबायोटिक भी एक तरीके के हम कह सकते हैं कि प्रोटीन की वजह से ही बनते हैं, है ना। जैसे कि वायरस के लिए अभी वैक्सीन बनी है ना, उसी तरीके से एंटीबॉडी और एंटीबायोटिक जो ड्रग्स होती है उनका निर्माण होता है। वो एक जटिल प्रक्रिया है ना। तो उसमें हम अभी जाना नहीं चाहेंगे, वो हमारे काम की नहीं है। ठीक। बनती प्रोटीन से ही है वो भी, उसके लिए फिर हमको पूरा अलग से लेक्चर लेना पड़ेगा, और तो कुछ नहीं है। ये हो गया इतना। अब देखो अगला लिखो, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का विकृतीकरण। क्या कहा जाता है इसे? प्रोटीन का विकृतीकरण। ठीक है। विकृतीकरण का मतलब क्या हुआ कि प्रोटीन का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। ठीक है। उसी को हम कहेंगे डीनेचुरेशन। मतलब कि जैसे मान लो मेरे पास जो प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके का है ना। अब मैंने इसको क्या कर दिया? चेंज कर दिया। चेंज करूंगा तो कैसे करूंगा? या तो मैंने इसको इस तरीके से कर दिया है ना, या फिर मैंने इसको इस तरीके से कर दिया, या फिर एक सीधा स्ट्रक्चर कर दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो प्रोटीन की संरचना में परिवर्तन। अब ये जो परिवर्तन आएगा, ये जो चेंज आएगा, वो कैसे आएगा? वो या तो कोई फिजिकल चेंज होगा, जैसे आपने ताप बढ़ा दिया है ना, तो चेंज हो सकता है प्रोटीन की संरचना में। दूसरा, अगर आपने उसमें कोई केमिकल डाल दिया तो भी क्या हो जाएगा? उसमें चेंज हो जाएगा। मतलब कि ये जो डीनेचुरेशन है उसका मतलब क्या है कि चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की संरचना में परिवर्तन होना। ठीक है। प्रोटीन की संरचना में परिवर्तन होना, और ये परिवर्तन किन कारणों से होगा? फिजिकल या फिर केमिकल।
फिजिकल का मतलब टेम्परेचर यहाँ पर हो सकता है ना। तो अब देखो होगा क्या, जैसे मान लो हम कोई चीज़ बना रहे हैं, मतलब कोई डिश बना रहे हैं, है ना। जैसे मान लो पनीर बना रहे हैं, तो पनीर अगर आप मार्केट से लेकर आते हो, है ना, उसमें प्रोटीन होता है पनीर में। अगर आप प्रोटीन को फ्राई करते हो तो तेल में डाल के तलोगे तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके अंदर का जो प्रोटीन है वो कैसा हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। जैसे एग है, अंडा है, अंडा आपने लेके आए, अंडा भी उसमें भी प्रोटीन है, उसको अगर आप बॉईल करोगे तो उसका भी स्ट्रक्चर प्रोटीन का क्या हो जाएगा, अंदर का बदल जाएगा, है ना। देखो अंडा क्या होता है, अंडे के अंदर जो प्रोटीन होता है वो इस तरीके का होता है, मतलब उसमें ये ऐसी कॉइलिंग होती, ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, वो बेसिकली ऐसा गोल होता है 3D शेप में, है ना। पर जब हम उसको बॉईल करते हैं तो अंडे का प्रोटीन किस तरीके से हो जाता है, लीनियर शेप में आ जाता है, मतलब कि जो उसमें कॉइलिंग है वो सब क्या हो जाती, खुल जाती है, है ना। कॉइलिंग क्या हो जाती है, खुल जाती है। तो इसीलिए तो भाई पकाने के बाद चीज़ें डाइजेस्ट होने में आसानी होती है ना। तो पहले कच्चे अंडे में प्रोटीन कैसा है, ऐसा है, इसको डाइजेस्ट करना मुश्किल है, पर जो बॉईल एग है उसके अंदर प्रोटीन कैसा हो गया, ऐसा हो गया, और इसको डाइजेस्ट करना क्या होगा, आसान होगा। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन का विकृतिकरण, ठीक है, ठीक। चलो अब देखो इसमें भी दो टाइप के डी नेचुरेशन होते हैं, पहला होता है रिवर्सिबल और दूसरा होता है इररिवर्सिबल, है ना, मतलब कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। एक क्या होता है उत्क्रमणीय और दूसरा होता है अनुत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय और दूसरा अनुत्क्रमणीय। तो देखो इसमें क्या अंतर है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय में, रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल में क्या अंतर है। रिवर्सिबल का मतलब कि आपने प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज किया और वापस आप उसको जैसे पहला था वैसा भी बना सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने प्रोटीन का ये स्ट्रक्चर था, इसको मैंने ऐसा बना दिया, अब मैं क्या करूंगा, इसको वापस कैसा कर सकता हूं, ऐसा बना सकता हूं, ठीक। तो ये रिवर्सिबल फिनोमिना इसको कहते हैं, मतलब पहले जैसा था वैसा ही हम उसको बना सकते हैं। पर जो इररिवर्सिबल होता है उसमें ऐसा नहीं किया जा सकता। जैसे आपने एक बार अंडे को उबाल लिया, है ना, या पनीर को फ्राई कर लिया, तो उसके बाद क्या उसको पहले जैसा बना सकते हो, क्या नहीं बना सकते हो, उसका स्ट्रक्चर परमानेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, इररिवर्सिबल प्रोसेस। और ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है इसमें क्या होगा, वो स्ट्रक्चर चेंज हम कर सकते हैं, ठीक है, पर ये होता नहीं है जनरली, बहुत सारी चीजें इसमें करनी पड़ती है हमको। तो पर ये बेसिकली जो डीनेचुरेशन होता है वो किस तरीके का होता है, इररिवर्सिबल, मतलब कि अनुत्क्रमणीय होता है, उसमें आप उसके स्ट्रक्चर को वापस चेंज नहीं कर सकते, एक बार चेंज होगा दूसरी बार चेंज नहीं होगा, ठीक है भाई, है ना। जैसे जो प्लास्टिक होते हैं ना कुछ तरीके के, जैसे ये प्लास्टिक है, इसको मैं मेल्ट करूंगा किसी भी शेप में ला सकता हूं, है ना। पर एक प्लास्टिक होता है जिसको हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, वो एक ही बार गर्म होके सेट हो जाता है, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो ये वैसे ही फिनोमिना है। बात समझ में आ गई, चलें अब आगे, है ना। तो ये प्रोटीन के बारे में इतनी बात कर ली, और देखो इसके अलावा प्रोटीन और क्या क्या करेगा, ब्लड के अंदर प्रोटीन है ना, वहाँ पर भी वो अपना काम करेगा। फिर उसके बाद में हम जो खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन है, हमारी हर सेल में प्रोटीन है, मसल्स में प्रोटीन है ना। तो प्रोटीन के जो फंक्शन है वो तो कई सारे हैं भाई, जिस भी ऑर्गन में आप जाओगे वहाँ प्रोटीन तो है ही, है ना, और प्रोटीन अपना काम वहाँ पर करेगा। तो प्रोटीन का जो बेसिक फंक्शन है वो यही है कि एक तो वो एंजाइम की तरह काम करेगा, दूसरा रिपेयरिंग और ये सब काम करेगा, बिल्डिंग का, निर्माण का, है ना, और तीसरा जो है इससे सूक्ष्म मात्रा में ऊर्जा आपको मिलेगी, मतलब कि बहुत ही कम अमाउंट में आपको एनर्जी भी ये प्रोवाइड करता है। बात समझ में आ गई इतनी। तो ये प्रोटीन का जो है हमारा यहाँ पर ये प्रोटीन अमीनो एसिड खत्म हो गया, ठीक। अब अगला लिखो विटामिन, विटामिन हम शुरू कर देते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं। विटामिन है ना, या विटामिन भी पढ़ते हैं उसको कुछ लोग, ये क्या होता है। तो देखो विटामिन के बारे में हमने बताया था कि विटामिन सबसे पहले तो क्या है, एक माइक्रो मॉलिक्यूल है ना। माइक्रो मॉलिक्यूल मतलब कि सूक्ष्म अणु है। सूक्ष्म अणु का मतलब क्या बताया था कि इसकी जो क्वांटिटी है वो हमको कैसी चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी में इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे, ठीक है भाई, और सूक्ष्म मात्रा में इसकी आवश्यकता पड़ेगी, सूक्ष्म मात्रा चाहिए, ठीक। इसके अलावा विटामिन जो है, क्या हमारा शरीर विटामिन बनाता है, क्या बहुत सारे मतलब एक
एक दो विटामिन ही ऐसे हैं जो हमारा बॉडी बनाती है, बाकी कोई भी विटामिन हमारी बॉडी नहीं बनाती है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या होता है, इसेंशियल होता है। इसेंशियल मतलब कि ये आवश्यक तत्वों में आ जाएगा, क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है, बाहर से आ रहा है। ठीक है, इसको बॉडी बना सकती है क्या, नहीं। तो लिख देते हैं एक और लाइन कि नॉट सिंथेसाइज बाय बॉडी, है ना, शरीर के द्वारा इसका निर्माण नहीं हो सकता, शरीर द्वारा इसका निर्माण नहीं हो सकता। ठीक है, अब विटामिन का काम क्या क्या है, देखो विटामिन क्या काम करेगा, पहली चीज तो ग्रोथ में हेल्प करेगा, है ना, ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, वृद्धि तथा विकास में मदद करेगा, है ना। वृद्धि तथा विकास का काम किसका होता है, प्रोटीन का, पर ये उसमें हेल्प करता है उसकी। ठीक है, ये हेल्प करेगा। फिर उसके बाद में ये आपको क्या करेगा, बीमारियों से बचाएगा, बीमारियों से आपकी रक्षा करेगा, है ना। विटामिन अगर आप में कमी हो जाएगी विटामिन की, तो क्या होगा, बीमारी हो जाएगी। जैसे विटामिन ए अगर कम हो गया तो कौन सी बीमारी होती है, रतौंधी, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब कि रात के समय अंधेरा होने के समय आपको दिखाई नहीं देता है। ठीक, अगर विटामिन सी की कमी हो गई तो क्या होगा, स्कर्वी रोग होता है, है ना, जो कि हमारे दांतों और मसूड़ों से रिलेटेड होता है। तो अगर विटामिन कोई भी कम होगा तो क्या होगा, बीमारी होगी आपको, है ना। तो बीमारियों से रक्षा करता है, मतलब आपको विटामिन की जरूरत चाहिए, क्योंकि अगर आपको बीमारियों से बचना है तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, और बीमारियों से, डिजीज से क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। ठीक, इतनी बात क्लियर, ये लिख लिया भाई सबने। अब देखो, अब हम करेंगे विटामिन का क्लासिफिकेशन। तो विटामिन दो तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हो, इसका वर्गीकरण दो प्रकार से कर सकते हो, एक होता है फैट सॉल्युबल और दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल, है ना। तो क्लासिफिकेशन यहाँ पर लिखा ही हुआ है, यही लिख देते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन या विटामिन। ठीक है, तो पहला क्या होगा, फैट सॉल्युबल, दूसरा क्या होगा, वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल मतलब ऐसे विटामिन जो किसमें सॉल्व होते हैं, डिजॉल्व होते हैं, केवल फैट में, है ना। फैट का मतलब जो लिपिड फैमिली वाले सारे मेंबर हैं उनमें, है ना। तो फैट सॉल्युबल विटामिन, और दूसरा कौन सा होता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब देखो, जो विटामिन वाटर में घुल जाता है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे मान लो अगर मैंने बहुत ज़्यादा विटामिन खा भी लिया तो क्या होगा, बॉडी उसको वाटर के थ्रू क्या कर देगी, बाहर निकाल देगी। ठीक, पर फैट सॉल्युबल जो विटामिन है, अगर वो ज़्यादा मात्रा में हो जाता है ना, वैसे तो बॉडी उनको एक लिमिटेड अमाउंट में हमेशा उनको मेंटेन रखती है, कई सारी प्रक्रियाएं अंदर चलती रहती हैं, जिसकी वजह से जो अतिरिक्त विटामिन होता है, लीवर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है उनको भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो लीवर वहाँ पर काम करता है, पर फिर भी अगर मान लो बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या होगा कि फिर उससे भी आपको कोई डिजीज़ हो सकती है ना। जैसे विटामिन अगर ज़्यादा भी हो गया तो भी क्या होगा, प्रॉब्लम। कौन सा विटामिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फैट सॉल्युबल, है ना। फैट सॉल्युबल में कौन कौन से होता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई, ये चार विटामिन जो है ये कौन से हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन है, मतलब कि वसा में घुलनशील, हिंदी में इनको क्या कहते हैं, वसा में घुलनशील। और ये कौन से होंगे, जल में विलेय या जल में घुलनशील। ठीक है, दो तरीके के, इन चार विटामिन को छोड़ के जितने भी है वो सब कौन से हैं, वाटर सॉल्युबल, है ना, तो उनको लिखने की जरूरत नहीं, बहुत सारे हैं वो। तो विटामिन ए, डी, ई और के। ठीक, तो विटामिन हमारे लिए क्यों जरूरी है, विटामिन हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करेगा, और विटामिन हमारे वृद्धि तथा विकास में योगदान करेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम करेगा। ठीक है, चलो अब कल जो है मैं आपको विटामिन और उनसे संबंधित जो बीमारियां होती हैं, है ना, उनके बारे में, अपना टेस्ट है वैसे तो कल, है ना, तो उसी में हम देख लेंगे अगर टाइम मिलेगा तो, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास तक ये बात जाएगी। ठीक है, तो विटामिन की कमी से होने वाले रोग, जो बीमारियां हैं, जो डिसीजेज हैं, वो कौन कौन से, इंपॉर्टेंट तो वही है ना, एग्जाम्स में जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है। देखो नॉर्मली तीन चार तो हमको पता ही होगा, जैसे विटामिन ए की कमी से इसने बताया कि कौन सा होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है, स्कर्वी, है ना। विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, है ना, उसको हम क्वाशियोर्कर और मरास्मस कहते हैं, बच्चों और बड़ों में अलग अलग होता है वो।
ठीक है। तो इस तरीके से कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं वो हम पढ़ेंगे, है ना। सारे विटामिन में विटामिन जो बी होता है वो सबसे ज़्यादा मतलब कि उसमें कैटेगरीज होती हैं, विटामिन B1 से लेकर B12 तक। फिर इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि विटामिन का नेम जो केमिकल नेम होता है या उसका जो बायोकेमिकल नेम होता है वो क्या होता है। जैसे विटामिन सी को हम क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा एसिड कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, है ना। तो फिर एक को हम कहते हैं राइबोफ्लेविन। इस तरीके से उनके जो नाम है वो भी हम देखेंगे, ठीक है भाई।